केरल में भारी बारिश और विनाशकारी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। केरल में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के तीनों अंगों के बचाव दल और NDRF की टीमें बचाव और राहत अभियान में जुटी हैं। मीनांचल और मनीमाला में नदियां उफान पर हैं, वहीं कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और श्रद्धालुओं से फिलहाल 4 धाम यात्रा टालने का अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने CM पिनराई विजयन से बातचीत की है। केरल के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया कि केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 21 पहुंच गई है, जिसमें कोट्टायम में हुई घटना में 13 और इडुक्की में हुई घटना में 8 मौतें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर स्थिति को लेकर रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बातचीत की और केरल में भारी बारिश तथा भूस्खलन के मद्देनजर स्थिति पर विचार विमर्श किया। अधिकारी घायलों और प्रभावितों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि मैं सभी के सुरक्षित रहने और उनकी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, यह दुखद है कि केरल में भारी बारिश के कारण कुछ लोगों की मौत हो गई। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केरल की स्थिति पर नजर रखी जा रही है, सहायता में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।